हाय नमः शिवाय। नया दिन और नए ब्लॉग के साथ ये अंकल जी के साथ मेरा पार्ट दूसरा रहने वाला है। अंकल जी के साथ सिर्फ दो ही पार्ट बने थे, एक पहले वाला और एक ये जो आपके सामने आ रहा है। तो पिछला ब्लॉग जो है वो मैंने अंकल जी से जानना था कि जो रामपुर में बादल फटा, कितने लोगों की जाने गई, क्या भगवान ने सोचा था, बरसात हुई नहीं हुई, छलिंगे दे बिछाड़ पई है, क्या चक्कर है, वो तो मैंने पिछले ब्लॉग में जानना था। लेकिन पिछला ब्लॉग कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो उसके लिए मैंने ये दूसरा ब्लॉग बनाया कि वो वाले टॉपिक पर हम जो है वो चर्चा कर सकें। तो अंकल जी, राम राम जी। राम राम, क्या हाल चाल है? खरे भाई, खरे। अंकल जी, रामपुर, रामपुर समेज ग्राम, ग्राम कुटी गया है, सब बोले सब बरखा सारे गई है, क्या कारण रे या क्या होया होगा, क्या बदल फटिया कि लोकां दी होया कुछ कि परमात्मा दा मतलब प्रकोप था, क्या था हुण दा? मेरे ते मेरे वल दा शब्द नहीं कि हूं क्या पूछूं तीजा च, पर चलो फिर भी माड़ा मोटा कुछ आता दस ही दिया। तू हां और भीड़ है पे, मैं भी सोचा भी मैं मणि भी सो जाना। अच्छा, तेरी दिल च भी आवाज़ आ, एक जुनून होंदा, एक आस्था होंदी, बगैर मतलब मता जाते तू क्या करूं क्या नहीं करूं। रामपुर वाली गल आई, एक बोले पीछे गड्डी रूढ़ी कुटकी है नोबा नाबा, बोले पीछे चलने चलने कहना सारे तरी बोले गड्डी भी सकना एक बच्चा दिखी बेचारा भाई इं भी डर लगता तो जाना तो एक दिन है ही है इस सारा छोड़ी ने। फिर सोचा वो ये जिम्मेवारियां बड़ी भर जाना क्या करना क्या नहीं करना। वो मैं चले टेकिया मत्था मतलब जय बोले शंकर कांटा लगे ना कंकर। बहुत बढ़िया, वो तो आपने कर ली अपनी सेफ्टी के बारे में बात, लेकिन जो समेज में हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग मिले ही नहीं, ये गांव साथ में नाला खड्डे बह रही हैं, बादल फटा और एक मिनट में सारा गांव तबाह। कुछ मैंने ये भी देखा जो एरिया है ना, हाँ जी, उनको हिल एरिया बोलते हैं क्या बोलते हैं? हाँ जी हाँ जी, हिल एरिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरे को इतना तो नॉलेज नहीं अंग्रेजी का। नहीं नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। सुना जैसे न्यूज आता है ना हिल एरिया जो है ना, तो लोग भी क्या करते हैं ना, मकान ऐसी जगह बना लेते हैं ना जहाँ नहीं बनाना चाहिए जी, ये उनके पास जगह की कमी है कि क्या व्यवस्था है। अगर वो प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन तो ठीक काम कर रहा है, जो कुछ कर्मचारी होते हैं ना वो कई बार एनओसी नहीं देते हैं, बोलते हैं उनको मतलब बनाने के लिए, बोलते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जी, ऐसा सुना है मैंने। फिर वो ये अपनी मन मर्जी से बना लेते हैं, अगर वो अपनी मन मर्जी से बना लेते हैं जी, वो सदा गलत तरीके से बना लेते हैं जी। पर हम फिर ये भी सोचते हैं कि ये वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, वो तो देख रहा है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, उसका जो है ना कैमरा सबके ऊपर फिट है, ठीक है। तू ये लिखा ही ऐसा प्रमाण है होगा ऐसे जी, तो उसको कोई भी नहीं टाल सकता। ये तो बात ठीक है, लेकिन दुख तो बहुत दुख होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? अगर मेरे पास ये लाइटर है, हाँ, इसकी कीमत क्या है? ₹10, ₹10, ₹1, ₹5, हाँ, मेरी हैसियत एक पैसा खर्चने की है ना। हाँ जी, जब भी मेरे से गिर जाएगा और उसको मैं ढूंढूंगा नहीं मिलेगा, तो दोबारा ₹1 फिर खर्चना पड़ेगा, और मेहनत भी 10 अना कमाई हुआ है, ये तो ठीक है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन जो लोगों की जाने गई वो तो वापस नहीं आएंगे। वही तो बोल रहा हूँ ना, जिस परिवार का बच्चा है, बेटा है, बेटी है, माँ है, दादा है, दादा है, या बंधु है, या भाई है, रिश्तेदार है, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। दुख तो होता है ना, दुख तो होता है। ठीक है अंकल जी, तो ना फटाफट बात कर लेते हैं, मतलब इबकी बारी इतने टिक्कर या मेरे प्रभु बरसात हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अंजो थे कुछ खास बरसात देखने में मिली नहीं। देखा भाई नहीं था ये बोलते देवभूमि, हाँ जी, आहे अपने आप पर ये बोलते पे हाँ ये चौपड़िया चौपड़िया खरे ये महल है, महल नहीं खरे, ठीक है, जो भी तू माल करना है ठीक ही खरे। अच्छा कहने
इतनी बड़ा घट हों हाँ जी तो होया पिछली बरसात इतनी अच्छा होया जगह रुड़ी गई कई कुछ होया कई बोलिया आपदा होया कई बोलिया मकान ढेई गए तिने दे मकान ढहे कुत्ता नहीं पुछे कई फोटो खंजोई बोले आप तो पही गए तो बरसात हुई किन्नी हुई इबकी बार बरसात हुई पर पी उतनी नहीं हुई पर खरी हुई फसल जोगी अच्छा फसल जोगा काम हो गया खरा हुई गया ठीक है। कल परसों हुई तो है जेडी है ना गए छलियां छुलियां ना और तिने दिन मां बैठाते ने वाला ट्रैक्टर वाले भी दे दिते पैसा भी बेकार मिनट कीती सा भी बेकार उन्हें खेड़ी दिंगा पाई है उन्हें खड़ोने बुरी हालत है तो लगा दो पाई हाथ दिखा तू है ना ताली जाए ना ताली धीरे बोला वो खेतरा बढ़ना ही नहीं है तो खुद ही बड़ी होना जी आई का बढ़ना नहीं पे जाना नहीं है कमाना ही नहीं है अच्छा कमाना ही नहीं है अच्छा उन्हें निकल तो कह जो कमाना था ये नहीं है पर मैं बोलूँ वो कमाना मत छड्डा हाँ कर्म करा फल दी इच्छा मत रखा बोल दिया अच्छा 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 बिल्कुल अंकल जी एक लास्ट बचा है मेरा है ना मुझे नहीं पता तो पता कि नहीं पता लेकिन ना निर्भया कांड रिपीट हो लगे कुछ पता अलग है पता ना 2011 भी डॉक्टर वाली गावत नहीं कुदी बस जे तुम पता ही आता मेरे तो मैं को दसना अंकल जी क्या क्या हुआ देश सा जो क्या हुआ था कलकत्ता बीच मतलब क्या दसिए विनाश काले विपरीत बुद्धि हाँ पता नहीं क्या क्या करी थी कुड़िया ने फांसी मिली 10 साल बाद रिपीट 4 साल बाद फिर है कांड ट्रेनिंग अफसर कुड़ी ने बेचारिया ने है मतलब गलत भी कित मतलब मारी भी किन्ना भी प्राइवेट पार्ट दे भी मतलब क्या गलाना तुम्हें मेरा गलाना ना आज ताली एड़ी हो गल बात होंगी ना कुछ ने भी ना कुछ ने भी हुआ भाई हाँ जी एक तब भी भगवान ने करा हाँ जी जिस वक्त ऐसी घटना होती है अगर कोई किसी के पास जाता है हाँ जी बात लेकर एक तो शर्म के मारे जाता नहीं हाँ जी ठीक है चला जाएगा ना उसे 36 बार पूछ लेंगे बिल्कुल बिना मतलब आते बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल जवाब नहीं दे सकता क्या शर्म करने का लाने सहता शर्म करने जो कि बेचारी बचाई नहीं चाहता बेचारी ऊपर पूछ गई है ना फिर कुछ अधिकारी ऐसे होंगे ना गए ना कितनी नवी लीपा पोती करनी है गलत का काम इतनी तू जो मर्जी करी ले ये भूतना है बहुना महाभारत च जब अश्वत्थामा ना जिसका गर्भ गराया है ना तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोले हा? क्या तीसरी मणि कटी थी मत्थे भी जोरा ने बोले गलत गलत काम किया था गलत काम मतलब गलत नतीजा ये तो ठीक है अंकल जी गलत हुआ गलत कर रहे हो गलत है ठीक है गलत है गलत हुआ ना उसको दबाओ मत दबाओ मत अंकल जी जिसने गलती की ना ये जब क्षमा लायक हो ना तो क्षमा भी कर सकते हैं तो जेडी से गलती होंगी गलत होंगा तीज माफ नहीं होना चाहिए ठीक है अंकल जी सर निर्भय कांड होया था 10 साल बाद फांसी हुई थी इस कांड विच तू क्या सोचते भी ती है कुड़ी जो किन जस्टिस मिलो किस खातिर प्रशासन जो या गवर्नमेंट जो क्या करना चाहिए तीन गलत काम किए ना हाँ जी कोई भी होगा और थे बंदे है ठीक है ना तो तूने पकड़ा ना तो पूछे भी बोले गुआ भी लेना कुकी भी लेना इन इस गलाना उस गलाना पकड़ने से जरा का ना कहीं पूछताछ करनी ना कहीं पता लगा था ना तो बड़े लंबा ही पाई नहीं कहानी है बस टंगाई दिया भाई टंगाड़ी है ना एक जगह मैं भी सुना अखबार बोले भी जेड़े को गलत काम करा वो तो बोले वो चलो आज खड़े ना सागा सीधा सीधा बोले गोली गोली मारे तीजो गोली मारा तो तीजो ढंग ने मारा या तीजो अपंग कर दो दूए तरीके ने ये मारा मत ना तो सह या पे जिंदा भी रहा है ना तो तीज हाथ पैर बढ़ी गया कलम कर लिया तो सह दिख दे रहा है दूजे मुंह क्या हुआ था अंकल जी ये जे उत्त कलकत्ता बिच कांड हुआ था तीनों बंद कुछ शह ही या ऐसा कुछ दे डरते नहीं या कुछ और समझे तो मैं क्या बोला था तो इस पीछे कुछ थोड़ा जहा तीन एडा बड़ा स्टेप ले तो जिसे पीछे कोई ना कोई तो दिख दूंगा सारा हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं जो इसे बचाना हाँ जी हाँ जी करो भाई जो भी है जो मना चाहवा करी आज पूछने वाला तो कोई है नहीं है बिल्कुल कई बार प्रशासन भी आखिर मुंदी ने बैठ हुआ मिट लेंदा
तीन महीने पानी नहीं आया थी गर्मी में। आ मिंज लगे मैं पता ऊपर पानी नहीं आया जो तीन महीने एक बूंद नहीं आई आंजो आए पानी ना कई दीदी ने पड़ोसी ने कई सारे ने आए तब मेल मेल जोड़ सारे ने यार क्योंकि मैं तुम्हें से भरना था भाई तुम पहले पू भरना फिर मैं लाई लैनी पानी पाइप तुम्हें नलके से तो उनसे मैं जे लगा कि दूर ठीक कर दूंगा रिश्ते पूछ के नाराज होना तीन तीन मरी गए पानी जान दे। अच्छा कुनी नहीं दे देते पानी कसम तू हां पानी कुनी नहीं देते पानी आवा नहीं पानी आवा था अंकल जी पानी आ रहा था फिर ही सुना चाहिए फिर ही नहीं हुआ पानी कहना मैं तो पूजाना कम भरा होगा नहीं पानी कहना वो टांकी खाली रही उठी फिर बच्चों को लाना कितना ढोना वो ढोई ढो थकी जाओ फिर अहां पानी चाहिए बेचारा फिर रोटी देने दे गए अच्छा। गलाना पाओ पानी आई जाना दूजे गलाया बोलिया खाडा पानी नहीं है फिर गलाया फिर तीजे भी गलाया मैं पाओ पानी है पानी कुछ बोले पानी खाडा पानी नहीं मैं बोले रहा कि बाजारा देखा मैं लोगों को क्यों आ रहा है पानी मेले पे एडा बड़ा आवा पानी नहीं है बगीरे दा तो मेले सह के पे पू डैमेज टू टू स्कीम अंकल जी पानी है दो मिनट पानी है आपको नहीं है हमें नहीं है सपोज दैट क्यों नहीं है कि हमारे टुल्लू पंप नहीं है मुंह पर गलांदे पंप नहीं है मुंह पर गलांदा आ भी गलांदा ये गल्ला पर ठीक है क्यों मुझे कल पता लग गया वो पापे मम्मी है हैंड पंप गेड़ी ते है और बहनी बहती हैं मैं कला लोगों से पूछने देखे जी मिंजो नहीं लगता यह गल्ला बुरा सीधी साफ गल पानी नहीं आ रहा भगवान लोगों के लोग पता लगा टुल्लू पंप कुछ लुकाई देते ने लाऊ हुए फिर पंप वाली भी गल सुनी मैं एक ही ने गलाया तीन बोले वो पंप भी बुला लेंगे तभी पानी आ जाता तू भी ला ले मैं तो ला लेना फिर वो 5-6 हज़ार रुपये मैं पाँच छह हजार कुछ देना है इसी सर मारी गल थोड़ी बिल्कुल मुंह पे गलाना जितने के ऐसे ही देना चलना उठने चलना गलांदे ने गलांदे ने बोले थी गदी के फिर एक मेरा मित्र और था मैं ले मुंह पानी ने आवा मुंह तू हट पाड़ में डज जान कठे पड़ दे बोले रहा गलांदा तू ने फोन करते मेरे सामने बोले रहा दिख ले पानी ने बोले रहा मिंजो ने वो 10-15 टो ले आए पर हिलदे नहीं है हां ऐसा कुछ जानता रहा करंग लाना था मैं ले मुंह माओ जो गलाना मैं 90 साल जबरी गलाना बोलना 90 साल ना सालन जी यानी स्कूल लो जा दे है बच्चे क्या कर रहे मैं ले रहा मो बच्चे सवेरे भी जाना स्कूलों भेजने थे ऐसा तीन केडे का अफसर बने बोले स्कूलों भेज मतलब मो स्कूलों भेजने था मेरा भाव हुआ था पढ़ना थी ना पढ़ाने टीचर ये कहना याद थी ना करना मैं भी नहीं करना यार ताए पता लगना 25 दिन कितने कितने होते नहीं तो कुछ पता नहीं लगना मतलब उन तीन पे आ पानी लगना पढ़ाना तो वहां धूप होता पाऊगा ले पाई तीन निकली है टाइम ना कहीं ऊपर एक नलका थी ना किस माड़ा माड़ा वो पानी तीन मेरा मुन्नू नहीं है छोटा यार पेशाब करता है इतने दिन आवा पे सर मारी गल नहीं मैं मड़ा नहीं फिर सही क्यों गलाए तीन बोले नलकी खुलवा फिर पलंबर लन दिया 70-80 रुपये तीन लाए बोले तुम्हें नलके मैं मौत वो जबरदस्ती कनेक्शन दे तू मिंजो ये रस्ते दे नलका पटी दिया मैं आज उधर इतनी मुँह आते जाते सारा नहीं पीना है पानी सड़का भी चले ये सर जाने के नहीं था इतने फूल लेती थी ना हाँ जी गलती ने इतना कर लिया सूट थी जगह बैन जा रहा अच्छा वो तीन इंजीनियर कितनी दो दिन बार ना कसा ने फिर आनी 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 करे फिर देखे वो मतलब पर दुखी हो गया नया कहना माओ बोले मो तीज जगह पानी आओ ऊपर न रखे तो पाइप पंप बिछा नहीं ना होना इतने बड़े रोल थोड़ी है मेरे कहते वो तो फलाने चले आए मल्ला गले वो काम नहीं है तेना वो ना अज तक क्या कमांदा रे आओ भी के रोल नहीं ले सकता तू शर्मा भी लगा रे मैं ले मंगने के शर्मा ही अब चोरी ने ले आउनी फिर मैं ले पाइप इन दे मंगे पाइप जी कहता है लाएगा भरया मैं पानी इतने बड़ा खुश हो पंप नहीं मेरे कहना टांकी ये टांकी नहीं ये तो सत्य है नलके की पाइप पहले मैं भरना दिया पानी सारे चाहिए फिर समय उन्हें पंप मंगे शर्मा भी लगा इन्हें बड़े खराब दिया करता पाऊगा ये आए ना नलके ना लाते बोलिया हाँ तो भरना कुछ उपरा कौन वो तो यही है टांकी से कौन दे मैं तीन तीन लगलाया मन का तीन जगह तीन टाई आया हूँ निश्चय हो गया फिर मैं थकी गया भाई कहना दिहाड़ी भी गई मेरी फिर ही गलाया मैं फिर कितने फोन मैं लगा उठा ले नहीं उठी है रजिस्टर भी हूँ चिट्ठी लिखी आया हूँ मैं लगे पानी आनी है वाला दिख लैन नाड़े ठीक है अंकल जी देखो आंदे तो पापे मम्मी भी बड़ा पानी भरया हैंड पंप ते दुख होता है क्यों थकी आ रहे नहीं भरे तो पूरा गांव फिर हैंड पंप पे जाए बाबड़ी में यानी खैर पानी तो कौन आंदा पर ऊपर हैंड पंप आ नहीं नहीं जानते तो बखाले तो हां तो चली जाते हां जो ऊपर हैंड पंप बखा तो हां हैंड पंप भर लेंगे फिर ना लोग बोलते हां पानी खसमा दी रंड कुदी पानी पानी नहीं है
तो तू हाँ क्या पिया दे परमात्मा उपर तू जो बोतल दे आ दलिया ने एंड पापा तू हाँ आहा दिखे नहीं एंड पापा हाँ गेट दे तू हाँ दिखे नहीं कहाँ से पानी आ रहा है कहाँ से पानी आ रहा है। बहुत मुझे तो ये बहुत गलत बात लगी। पानी आए तो बराबर आए ठीक है, अगर एक बंदे को पानी नहीं आ रहा है ना, सीधी सी बात है, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, अगर किसी को पानी नहीं आ रहा है ना तो साथ वाला पड़ोसी के घर में अगर पानी आ रहा है, अगर वो चार घड़े भर रहा है तो दूसरे को भी दो घड़े वो भरने के लिए दे दे, जल ही जीवन है, जीवन है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मरी गया जने दिमाग था जोड़ दो बहुत ये ना। मैं फिर से वीडियो के जरिए से कहता हूं, मैं तो कहता हूं ये वीडियो बहुत लंबी जाए, हाँ ना अंकल जी बड़ी जाए, लेकिन चाहे आपके हो चाहे हमारे हो, हाँ देखो भाई अगर तुम पानी खाते कुछ मर गए ना तो कुछ भी नहीं होना, तो इस तरह ये बोल दिया अगर कुछ भी पानी आवा था तो बंदा फोन करने के लाए दो आइए मो तू मतलब पीने जोगा तो ले ले, पीने जोगा तो ले ले, कपड़े को नहीं दिखे पीने जोगा तो दे, माणू दे दे पीने जोगा। के बोले मुझे कुछ चलने वाले पानी भरना, ये भी सच्ची गल दी बोले कुटी मैं ले तो हां नहीं होला बोले तो कुटी नहीं मिला पानी मैं ले कुटी के लांगो मैं ले टांकी मारी के टांकी लाऊ बड़ी जम चलो ला दे ऊपर 1000 लीटर दी मैं मां कुटी खोल नहीं बोले पंप है मां पंप तो नहीं है बोले कुटी बक्का मंगी दे बोले मैं देंदा जो पानी है तेरा 200 रुपए लगना बोले दा किराए दा मैं बोले किराए दा चल दे दूंगा 200 रुपया दूंगा बोले चल मैं ले कर गे कुछ की फिर मैं बोले कुछ मते मंगने पे उठी जाना बोले लेवण को बोले मैं कहना जो पानी मैं पंप लवाऊ बोले घर कहना टांकी भी जो बोले मैं दे फिर मैं ले तेरी गल ठीक फिर मैं मन चाहे वो तैयार हो गया फिर से तीन बोले तू आया नहीं है मैं बोले मेरे मन से है भी मेरे पड़ोसी है पड़ोस ने 5-7 लगू दे पंप चल तीन दिखना ना भी फलानी जगह पानी ले आया ऐ के गला मैं लिया खरा गला आ तो तीन बोले मिंजे भी तू आए पूछे कल मतलब बोला इस तेल अंदर पानी तू इस वाला दे जा बोले रे ये भी बड़ी विडंबना है बोले है बोले रे इसे क्या बोले तो है तो तुझे तो मैं आपू पूछे है मतलब हूँ तूफाने का आप चल लेता हूँ तीनों बोला तीन मैं नहाने देनी बिल्कुल। और अंकल जी एक लास्ट कॉल देखो सहजे बंदे बोर कराने दे इतने तो हम बोर करा लिया अगर 5 साल बंदे को उनकी बुन बोर कराना ना तब तक तुम इतनी अपेक्षा ध्यान रख देगी इतनी पानी रहेगा एथी पानी कटिया ना अच्छा कितना कितना कर गए तुम एथी बोर कर ले 5 साल बाद उठी मुझे लगा मुझे सब तू हां जमीन ना बन चुका ना हैंड पंप ला इथी अगली बार उठी ला इथी तो पानी कटिया ना ठीक है। तो बहुत ही लंबी मेरे को लगता है ये तो मतलब बहस पे आ जाएगी बात और अंकल जी को भी गुस्सा है और मुझे भी गुस्सा है तो इससे अच्छा नहीं कोई बात नहीं अभी खत्म करते हैं बात को 22 मिनट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वाली मतलब आप इसे क्या कहें ठीक है जो निर्भया रिपीट कांड हुआ जो डॉक्टर के साथ हुआ ठीक है जो रामपुर समेज के साथ हुआ उनको तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और तो हम कुछ कर नहीं सकते दुख तो बहुत है। और हाँ ये पानी की समस्या है ये तो हर गांव की है लेकिन अगर किसी को पानी आ रहा है तो वो पीने के लिए दो घड़े किसी को क्या क्या कर सकता है दे सकता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। जय भोले शंकर जय माता काली लेट्स रॉक।